सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव। किसी की विशेषता बतानी है या किसी के मनोभाव गुण को दर्शाने हैं, इन सभी के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण हम देखें तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, सीता, मोहन, गीता, ये सभी विशेष व्यक्ति के नाम हैं, तो ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है वस्तु, जैसे कलम, कुर्सी, मेज, किताब, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है स्थान, किसी विशेष स्थान का बोध कराता है, उसे वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है भाव, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे भाव को दर्शा रहा है, तो ये खुश क्या है? मेरे भाव को दर्शा रहा है, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये प्रकार है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम घूमने जाता है, तो ये राम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, फिर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या जाति प्रजाति का बोध हो, जैसे कि राम फल खाता है, तो फल क्या है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो वहां फल की बात हो रही है। लेकिन किसी पार्टिकुलर फल जैसे आम, केला, अंगूर, अगर आम, राम आम खाता है, तो यहाँ पे आम क्या है? यहाँ पे आम है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर आम का फल का नाम हम बता रहे हैं। लेकिन जहां पर हम सिर्फ बोलेंगे कि राम फल खाता है, तो वो फल जातिवाचक के रूप में आते हैं। फिर क्या है? भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है, जैसे कि वह व्यक्ति ईमानदार है, तो वह ईमानदार, ईमानदार क्या है? उसके भाव को व्यक्त कर रहा है, तो वह भाववाचक संज्ञा के का उदाहरण है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे किसी द्रव्य से अभिप्राय हमारे पदार्थ का, जैसे कि तेल, घी, सोना, चांदी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक, यानी कि समूह या झुंड की बात हो रही है जहां, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, तो वो क्या? एक झुंड है, छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का झुंड है, तो वो समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो जैसे कक्षा, गिरोह, दल, सेना, ये सब समूहवाचक के उदाहरण हैं। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार यहाँ पे समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।